नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव वडाली डोकरा में तीन लुटेरों ने दो सगे भाइयों पर किया जानलेवा हमला, एक की मौत एक घायल। होशियारपुर के पुलिस लाइन गेट पर ड्यूटी दे रहे एएसआई की करंट लगने से हुई मौत। जालंधर के आबादपुरा में खूह वाली गली के घर के बाथरूम से मिला भ्रूण, पुलिस जांच में जुटी। और अब हलचल विस्तार से। पंजाब में लूटपाट की वारदातें रुकने का नाम नहीं ले रही। गत रात्रि जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव वडाली डोगरा में तीन लुटेरों ने मोटरसाइकिल सवार दो भाइयों पर हमला कर दिया, जिसमें एक की मौके पर ही मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर घायल हो गया, जिसे गुरु नानक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इस संबंध में जानकारी देते हुए पारिवारिक सदस्यों ने बताया कि दोनों सगे भाई मशीन रिपेयर करने का काम करते हैं, जो कि गत रात्रि जालंधर से अपने घर वडाली डोगरा वापस आ रहे थे। इस दौरान मानावाल अस्पताल के नजदीक रात्रि 9:30 बजे मोटरसाइकिल सवार तीन अज्ञात लुटेरों ने लखविंदर सिंह की छाती में गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरे भाई बब्बू की टांग में गोली लगी है, जिसे गुरु नानक अस्पताल में दाखिल करवाया गया है। इस मौके पर SHO राकेश कुमार ने बताया कि गत रात्रि तीन अज्ञात व्यक्तियों ने लूट की नीयत से एक भाई की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि दूसरे को घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है, जल्द ही आरोपियों को काबू कर लिया जाएगा। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। मैं वेख्या कट से उदों मैं आया सवेरे, पता लगा जी रात कोई 9:30 बजे वाला तकरीबन आ गलबात हो गई है, गोली मार के मोटरसाइकिल दो जने ही मतलब एक बतौर उत्थे डेथ हो गई जी। प्रशासन तो मंग हूँ तेरे सामने है जी, मैं तुम्हें भी बेनती करा जी तुम हमने जिदा साड़ी बैट लैन लगे उसे हस्पताल की बैट लैके वेखो घट्टो घट 150-200 शामी 5 बजे तक 200-300 मुंडा जरा दवाई लैन आता नशे वाली, तो मैं सारा कुछ उत्थे ही बनता जी है, तो सारे दिन उत्थे टीके लाई जाते उत्थे गोलियां खाई जाते हैं। सब तो वड्डी मेरी बेनती है जी कि लोगों को कोई एक नशा ना लभूगा, अभी तो रोज़ 200-300 बंदे दर्शन करते हैं हस्पताल, हस्पताल के संबंध में कोई 200-300 मुंडा होशियारपुर के पुलिस लाइन गेट पर ड्यूटी दे रहे एएसआई की करंट लगने के कारण मौत हो गई। मौके पर पहुंची सिटी थाने की पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही शुरू कर दी है। इस मौके पर जांच अधिकारी नानक सिंह ने बताया कि परनम सिंह निवासी गांव नंगल खुर्द पुलिस लाइन में ड्यूटी दे रहा था, सुबह उसे हीटर से करंट लगने के कारण आग लग गई और उसकी मौत हो गई। फिलहाल उसके शव को कब्जे में लेकर आगे की कार्यवाही की जा रही है। हलचल के लिए पंकज शर्मा की रिपोर्ट। ये एएसआई प्रणाम से जो पुलिस लाइन के मेन गेट से संती ड्यूटी पर तैनात सन, इस मॉर्निंग सानू कॉल आई कि उत्थे आग लगी है, तो वो जल्दी पहुँचो जो जो जाके देखिया कि जेडे संतरी पोस्ट में बिजली का करंट लगन करके हीटर दा करंट लगन करके जरा यदि मौत हुई। ये 5 to 5:30 के दरम्यान हुई, 5:30 बजे तो इन्हू रिलीव करने वास्ते अगला संतरी जो पहुंचा तो उन्हें ये शरीर में अग लगी देखी। मेरा फादर साहब आ सवेरे 6 बजे सू बुला के लग गया से, तो पुलिस वाले तो कहते कि पापा को करंट लगा आ, तो आके देख लो घर ले जाओ, तो जाके देखिए तो वो पूरे हो चुके थे, उन्होंने सारी बॉडी जल चुकी थी करंट के नाल मोर्चे पर बैठे थे। जालंधर के आबादपुरा में खूह वाली गली में एक घर के बाथरूम में से भ्रूण मिला है, जिसके बाद थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस मौके पर पहुंच गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए थाना 6 के प्रभारी सुखदेव ने बताया कि उन्हें शाम के वक्त कंट्रोल रूम से इसके बारे में पता चला था, जिसके बाद उनकी टीम मौके पर पहुंची। फिलहाल मामले की जांच की जा रही है, उसके बाद ही बनती कार्यवाही की जाएगी। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट।
ਸ਼ਾਮੀ ਸੱਤ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੂਮ ਤੋਂ ਇਤਲਾਹ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਈਵਨਿੰਗ ਟਾਈਮ 'ਤੇ ਕਿ ਰਾਮ ਲਾਲ ਦੇ ਘਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਨੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਆ ਬਾਤਪੁਰੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਹੋਏ ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਭਰੂਣ ਚਿੱਟ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ IO ਸਾਹਿਬ ਭੇਜੇ ਆ, ਮੈਂ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਇਆ, ACP ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ADCP ਸਰੋਆ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੌਕਾ ਦੇਖਿਆ ਆ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬਣਦੀ ਉਹਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, FIR ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਅੱਗੇ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਮੇਂ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਹਿਆਤ ਰੀਜੈਂਸੀ ਹੋਟਲ ਕੋ ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਈਮੇਲ ਕੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹੋਟਲ ਕੋ ਉਡਾਨੇ ਕੀ ਬਾਤ ਕਹੀ ਗਈ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਹੋਟਲ ਕੇ ਮੈਨੇਜਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਇਸਕੀ ਸੂਚਨਾ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਦੀ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਮੇਂ ਹੜਕੰਪ ਮਚ ਗਿਆ। ਹੋਟਲ ਕੇ ਬਾਹਰ ਪੁਲਿਸ ਬਲ ਤੈਨਾਤ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਹੀ ਮਿੰਟੋਂ ਮੇਂ ਮੌਕੇ ਪਰ JCP ਸੋਮਿਆ ਮਿਸ਼ਰਾ, ADCP ਰੁਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਸਰਾਂ, CIA 1 ਔਰ CIA 2 ਕੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਪਰ ਬਨੀ ਰੀਜੈਂਸੀ ਹੋਟਲ ਕੋ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਘਟਨਾ ਸਥਲ ਪਰ 100 ਸੇ ਅਧਿਕ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਬਤਾਇਆ ਜਾ ਰਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਧਮਕੀ ਦੇਣੇ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਕਾ ਰਹਿਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਮੇਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਸੇ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਾ ਹੈ। ਜਲਦ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਆਰੋਪੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲਈ ਅਰੁਣ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਮਾਰਾ PS ਸਥਿਤ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਥ੍ਰੈਟ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਥ੍ਰੈਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੇਸ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੋਂ ਮਦਦ ਸੇ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹੁਣ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰਿਲੀਮੀਨਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਈ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਜਿਹੇ ਹੈਲਥ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਹਯਾਤ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਆਇਆ ਹੈ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਲੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹ ਪੂਰੀ ਚੀਜ਼ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਹੈ, ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜੀ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਕਈ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਹੋਟਲ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਇਹ ਮੈਸੇਜ ਆਇਆ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵੀਲ ਵੈਰੀਫਾਈ ਇਹਦੇ ਵਟਸਐਪ ਥਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੈਟਫਾਰਮ ਹੋਟਲ ਹਯਾਤ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਸਮੇ ਆਈ ਸੀਗੀ ਇਹ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖੀਏ ਇਹ ਪੂਰਾ ਆਪਾਂ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿ ਪਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਆਈ ਐਮ ਰਿਪੀਟਿੰਗ ਅਗੇਨ ਦੈਟ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਮੈਸੇਜ ਔਨ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ, ਹੈ ਨਾ, ਇਸ ਮੈਸੇਜ ਟੂ ਵੇਰੀਅਸ ਪਲੇਸਿਸ। ਲਗਭਗ ਦੇਖੀ ਜੈਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਉਸ ਕੇ ਬਾਅਦ ਹਮ ਤੇ ਹਮਾਰਾ SHO ਸਾਰੇ ਸਟਾਫ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ, ਵੀ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਚੈੱਕ ਇਨ, ਵੀ ਆਰ ਗੈਸਟ ਐਟ ਦ ਹੋਟਲ ਐਂਡ ਦੇ ਸਟਾਪਡ ਅਸ ਫਰਮ ਗੋਇੰਗ ਇਨਸਾਈਡ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਰਿਡਿਕੂਲਸ, ਐਂਡ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਟੈਲਿੰਗ ਅਸ ਵੈਨ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਸਟਾਪ ਔਰ ਵੈਨ ਇਟਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਐਂਡ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਆਊਟਸਾਈਡ ਇਨ ਦ ਕੋਲਡ, ਵੀ ਆਰ ਫਾਰ 3 ਡੇਸ ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਜਸਟ ਆਊਟ ਸ਼ਿਵਰਿੰਗ ਇਨ ਦ ਕੋਲਡ and it's just very inconvenient. This is not how they should treat their guests. Where are you from? We're from Canada. And never seen this before. So no one's telling us when it's going to end. It's like 5 minutes, 5 minutes, 5 minutes, 10 minutes, and we've been here for half an hour now. ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ ਕੇ ਖੰਧਾਰਾ ਟੌਪ ਇਲਾਕੇ ਸੇ ਬਰਾਮਦ 15 ਕਿਲੋ IED ਕੋ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ ਕੇ ਹੀ ਮੰਗ ਇਲਾਕੇ ਮੇਂ ਨਿਸ਼ਕਾਸਿਤ ਕਰ ਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ IED ਕੀ ਗੂੰਜ ਬਸੰਤਗੜ੍ਹ ਤਹਿਸੀਲ ਕੇ ਸਭੀ ਗਾਓ ਮੇਂ ਸੁਣਾਈ ਦੀ। ਸੰਗਰੂਰ ਕੇ ਧੂਰੀ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਬੇਖੌਫ ਚੋਰੋਂ ਕਾ ਕਹਿਰ ਦੇਖਨੇ ਕੋ ਮਿਲਾ, ਜਹਾਂ ਚੋਰੋਂ ਨੇ ਦੇਰ ਰਾਤ ਲਗਭਗ 4 ਦੁਕਾਨੋਂ ਕੋ ਤੋੜ ਕਰ ਵਹਾਂ ਪਰ ਚੋਰੀ ਕੀ ਘਟਨਾ ਕੋ ਅੰਜਾਮ ਦਿਆ, ਤੋ ਵਹੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀ ਇਹ ਸਾਰੀ ਘਟਨਾ ਵਹਾਂ ਲੱਗੇ CCTV ਕੈਮਰੋਂ ਮੇਂ ਕੈਦ ਹੋ ਗਈ, ਜਿਸਕੇ ਬਾਅਦ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਮੇਂ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗੁੱਸਾਏ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਜਮ ਕਰ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਕੀ। ਵਹੀਂ ਘਟਨਾ ਕੀ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਤੇ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਮੌਕੇ ਪਰ ਪਹੁੰਚ ਗਈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਰ SHO ਧੂਰੀ ਨੇ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੌਕੇ ਕਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ ਔਰ CCTV ਕੀ ਵੀ ਬਾਰੀਕੀ ਸੇ ਜਾਂਚ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਘਟਨਾ ਘਨੀ ਧੁੰਦ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਮੇ ਵਿਜ਼ੀਬਿਲਟੀ ਕਮ ਥੀ ਔਰ ਚੋਰ ਇਸੀ ਕਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਕਰ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਵਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਦ ਹੀ ਚੋਰੋਂ ਕੋ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਸੰਗਰੂਰ ਸੇ ਹਲਚਲ ਕੇ ਲੀਏ ਜਸਵੀਰ ਮਾਨ ਕੀ ਰਿਪੋਰਟ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, SHO ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇਗੇ। ਰਾਤ 2:30 ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜੋ ਕੈਮਰੇ ਦੀ ਫੁਟੇਜ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਨਿਤੜ ਹੋ ਕੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ, 5 ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ
सरेआम चोरी की है। एक दुकान तो करीब 4 लाख के तकरीबन, दूजिया दुकाना तो कि तो 5 हज़ार कि तो 7 हज़ार सरेआम चोरी करके लै गए। असी प्रशासन तो ही मंग करते हैं भी ये चोरों नू जल्दी तो जल्दी नपया जाए, क्यों साड़ी मंडी विच काफ़ी रोस है। रोस के वजो थाने का घिराओ करन साडे आढ़ती वीर जा रहे थे, पर प्रशासन ने सानू विश्वास दवाया थी भी चोरों असी जल्दी तो जल्दी नप लवेंगे। असी प्रशासन नू यही बेनती करते हैं भी जिवें पहला व्यापार मंडल वाली वारदात हुई थी कि शहर के विच प्रशासन ने कहा थी भी सानू टाइम दिता जाए। हुण इस नू मद्देनज़र रखते हुए साडी कमेटी ने प्रशासन तो मंग भी की है, टाइम भी दे रहे हैं असी भी ये जिहड़ा चोर ने जल्दी जल्द नपे जा सकन। प्रशासन के अगे कोई यह जी गल नहीं भी चोर नहीं नपे जा सकते। ये रात की घटना है 2:30 बजे की हैगी है, तो धुंध बहुत ज़्यादा सी, तो रात सवेरे पता चलेगा भी ये 4 दुकाना के शटर टुटे ने, आके चेक किया 3 दे शटर तोड़ के उन्होंने जोड़े सेफ ने गे 2 दे वो चेक किए, कोई मिलया नहीं उन्होंने, तो उन्होंने एक होर दुकान तोड़ी है कहने मुताबिक भी कैश लै गए ने 3.5-4 लाख रुपया। तो वह असी लगे हुए हैं कुछ पूरा खोज मारा दी कुछ कैमरिया की मदद ली जा रही है। देश विदेश से संगते सचखंड श्री दरबार साहिब में नतमस्तक होने के लिए पहुंच रही हैं। विरासती मार्ग पर बहुत से टूरिस्ट गाइड श्रद्धालुओं की पूछ कर उन्हें कमरे उपलब्ध करवा देते हैं और होटलों से ये टूरिस्ट गाइड कमीशन लेते हैं। गत दिनों एक टूरिस्ट गाइड एक व्यक्ति को रात को रुकने के लिए कमरा दिलाता है और उसके साथ ही उसे लड़की उपलब्ध करवाने के लिए भी कह रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर तेजी से इस वीडियो के वायरल होने के बाद सिख जत्थेबंदियों की ओर से होटल मालिकों के साथ बातचीत की जा रही थी। पुलिस द्वारा अब इस मामले में उक्त होटल टूरिस्ट गाइड को भी गिरफ्तार किया गया है, जो कि एक श्रद्धालु को लड़की उपलब्ध करवाने के लिए बोल रहा था। इस मामले में थाना बी डिवीजन के प्रभारी शिव दर्शन सिंह ने बताया कि उक्त लड़के की पहचान कर उसे गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उस लड़के से पूछताछ की जा रही है कि वह किन होटलों के लिए काम करता था। उन्होंने कहा कि इस लड़के के साथ अगर कोई होटल मालिक भी शामिल हुआ तो उस पर भी कार्यवाही की जाएगी और होटल को भी सील किया जाएगा। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। मैं कि कह सकती हाँ बच्चे बारे उन बार क्यों अज तक कभी यहाँ जो वर्ड नहीं बोलिया, मैं समझ नहीं लगी उन्हें क्यों बोल दिता वा। मैं तो आप बहुत रो रो के सवेर दी डिप्रैशन से चले गई हाँ कि मेरे बच्चे नाल ये किस तरह हो गया वा। पहली बार होया इस तरह? हाँ जी ये मामला, हाँ जी नहीं थाने विच एहोजा कोई चक्कर नहीं पिया दा, एहोजा कोई चक्कर नहीं है। पहला आ जो बोलिया ना इन्हें समझ नहीं, समझ तो बाहर है, पीती खाधी जो बोल दिता वा, जो भी बोलिया मैं माफ़ी मंगनी है सारी सारे मतलब कि सारी संगत को भी सारे लोगों को। हाँ जी नशा इन ये नहीं जो पता कहदा करता जी है नशे का है ने काट कूट मैं कभी ध्यान भी नहीं दिता। एक टूरिस्ट गोल्डन टैंपल आया सी, एक लड़का जरा उन्होंने कुछ लड़कियों बारे पेशकश करता वा, वो लड़का जरा आइडेंटिफाई नहीं हो रहा, अज आइडेंटिफाई हो गया वा, उसको पासों ही पुछगिछ कर रहे हैं कि कड़े कड़े होटलों जब यह धंधा करवाउंदा कितने कड़े होटल लड़कियां ठहरदियां ने, तो वह जरा धंधा करवाउंदे ने वो होटलों वाले के खिलाफ अं जी कानून सर कार्रवाई करांगे। ये अजी पुछगिछ की है पर तुहानूं अं डिस्कलोज नहीं कर सकते क्योंकि अभी कार्रवाई करनी है, जिन्ना भी होटलों में यह जरा गलत धंधा करता पाया गया अं खिलाफ सख्त कार्रवाई करांगे। विश्व के कई देशों में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट आने के बाद हड़कंप मच गया है, जिसको लेकर भारत सरकार की ओर से भी सभी प्रदेशों को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने के लिए प्रबंध पूरे होने का दावा किया गया है। इस संबंधी नोडल ऑफिसर डॉक्टर हरिंदर सिंह ने बताया कि 2 वार्ड बनाए गए हैं जिसमें आइसोलेशन वार्ड और ICU शामिल है, जिनमें 180 बेड और 48 वेंटिलेटर शामिल है। इसके अलावा N95 मास्क और PPE किट का भी पूरा स्टॉक है। इसके अलावा ऑक्सीजन प्लांट लुधियाना के सिविल अस्पताल में लगा हुआ है और दवाइयों को लेकर भी डिमांड भेज दी गई है। लुधियाना से हलचल के लिए अरुण की रिपोर्ट। सरकार वालों कराई गई है ताकि प्रिपेयरनेस चेक हो सके कि जेडे भी कोविड सेंटर ने सारा जेड़ा इक्विपमेंट हैगा वो लॉजिस्टिक्स हैगा है कि ह्यूमन रिसोर्सेज है पर्याप्त मात्रा च है, तो स्टेट ऑफ रेडीनेस है कि किसी वेले भी कोई केस आ रहे वी आर रेडी टू डील विद दैट। हाँ जी देखो इस वेले जड़े है साढ़े 48 बैड जड़े है बिल्कुल रेडी ने,
48 बैड चों अडल्ट आई सी यू तुसी खड़े हो इस वेले इत्थे 16 बैड ने जिहड़े कि सारयां दे नाल वेंटीलेटर लगे हुए ने। उस तो इलावा दूजे पासे पीडियाट्रिक बच्चों का आई सी यू है जिथे 8 वेंटीलेटर लगे हुए ने इस वेले। उस तो इलावा लैवल 2 जिन्हों आपां कहिंदे आ आइसोलेशन वार्ड उहदे साडे कोल 24 जिहड़े बैड हैगे इस वेले पर्याप्त मतलब रेडी ने। कोरोना काल एक बार फिर से देश में घुस रहा है जिसके चलते पूरे हिंदुस्तान में इसकी तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे पंजाब के सभी जिलों के सरकारी अस्पतालों में एक मॉक ड्रिल की गई जिसके चलते जालंधर के सिविल अस्पताल में भी यह मॉक ड्रिल की गई। इस संबंध में जानकारी देते हुए सिविल अस्पताल जालंधर के मेडिकल सुप्रिटेंडेंट डॉक्टर राजीव शर्मा ने बताया कि जैसे कि सब जानते हैं कि कोविड को लेकर पूरे भारत में लहर शुरू होने की संभावना है जिसके चलते उन्होंने यह काम शुरू कर दिया है और उनकी ओर से नोडल ऑफिसर भी लगा दिए गए हैं जिसमें डॉक्टर संदीप भगत व डॉक्टर सुरजीत सिंह को नोडल अधिकारी लगाया गया है जिसमें उनकी ओर से आइसोलेशन बेड की संख्या 384, ऑक्सीजन सहित बेड की संख्या 314, इसके साथ ही आईसीयू में 70 बेड मौजूद हैं। उनके पास ऑक्सीजन के 2 प्लांट भी हैं जिसमें एक प्लांट में 1000 लीटर तो दूसरे में 700 लीटर की कैपेसिटी है। उन्होंने ऑक्सीजन के प्लांटों की सर्विस भी करा ली है। इसके साथ ही उनकी ओर से पूरी तैयारियां भी कर ली गई हैं। इसके अलावा भारत सरकार की ओर से जो गूगल शीट सबमिट करवाने के लिए कहा गया है वह भी उन्होंने भरकर भेज दी है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि मास्क का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें और सोशल डिस्टेंस का भी पालन करें। जालंधर से पंकज शर्मा की रिपोर्ट। क्योंकि अगर आप देखें एक नया वेरिएंट कोविड का जो है वो पाया गया है चाइना में और कुछ और हांगकांग इन कंट्रीज में पाया गया है, उसको देखते हुए भारतवर्ष में और हमारे पंजाब में इसके प्रति हम पूरी तरह से तैयारी करके बैठे हैं। उसी के संदर्भ में हमने कुछ तैयारियां की है जिसको मॉक ड्रिल के नाम से हम कह सकते हैं। देखिए ये नहीं किसी को पता कि ये यहाँ वेव आनी है या नहीं आनी, क्योंकि तो पुरानी कहावत है सेफ्टी फर्स्ट प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योंकि अगर हम तैयार बैठे हैं तो डेफिनेटली है अगर कोई प्रॉब्लम आ भी जाती है तो वी आर फुली प्रिपेयर्ड। और आपके माध्यम से मैं अपने सभी सुनने वालों को यही कहूँगा कि पंजाब सरकार की तरफ से सिविल अस्पताल जालंधर में कोविड के नए वेरिएंट को देखते हुए पूरे प्रबंध कर लिए गए हैं। क्योंकि अगर आप पिछले भी देखें तो पिछली बार भी पंजाब सरकार की तरफ से भारत सरकार की तरफ से जो भी दिशा निर्देश दिए गए थे सिविल अस्पताल जालंधर में पूरी तरह से पालन करते हुए हमने लोगों की सेवा की हुई है और हमारा स्टाफ इसके लिए पूरी तरह तैयार है। देखिए बात ऐसे है कि इन केस ऑफ एमरजेंसी हमारे जो हैं दे स्टाफ है दे एक्ट लाइक ए सोल्जर्स। अगर अपनी प्रीवियसली देखें तो उन्होंने 24 घंटे काम किया हुआ। स्टाफ की डेफिनेटली थोड़ी कमी है पर अगर कोई प्रॉब्लम होती है इसमें स्टाफ नर्सिस और पैरामेडिक्स की कमी होती है तो गवर्नमेंट जो है पंजाब सरकार की तरफ से SDRF फंड रिलीज हो जाते हैं तो पार्ट टाइम उसमें अगर जरूरत होती है तो वो आइडेंटिफाई करके तो वो एम्प्लॉय कर लिए जाते हैं। मैं आपको बताना चाहता था कि ऑक्सीजन प्लांट हमारे बहुत बढ़िया हैं, उसकी सर्विस भी करवा ली गई है और पूरी तरह से तैयार। इसके साथ साथ एक और भी एडिशनल एडवांटेज है, हमने एक स्टॉप बाय रखा हुआ है, लिक्विड ऑक्सीजन का प्लांट भी लगा लिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक के क्षेत्रीय व्यवसाय कार्यालय की ओर से NRI ग्राहकों के लिए बैंक के महाप्रबंधक सुमित फक्का के दिशा निर्देशों के अनुसार NRI कस्टमर का एक मिलन समारोह रखा गया था। इस समारोह में तकरीबन 200 NRI ने भाग लिया। इस दौरान उप महाप्रबंधक और क्षेत्रीय प्रबंधक और क्षेत्रीय महाप्रबंधिका अनुपमा शर्मा ने समारोह में उपस्थित ग्राहकों को बैंक की अलग अलग लाभकारी योजनाओं के बारे में बताया। वहीं समारोह में ग्राहकों के मनोरंजन के लिए गीत संगीत का भी आयोजन किया गया। समारोह के अंत में मुख्य प्रबंधक रविंद्र कुमार मल ने NRI ग्राहकों का धन्यवाद किया। इस अवसर पर उप महाप्रबंधक अचिताभ पराशर, उप महाप्रबंधक संजय कुमार, क्षेत्रीय महाप्रबंधिका अनुपमा शर्मा, क्षेत्रीय प्रबंधक मंजीत ढिल्लो, सहायक महाप्रबंधक राजेश कुमार, प्रदीप कुमार,
सत्येंद्र छाबड़ा के अलावा समृद्धि शाखा के शाखा प्रबंधक पवन कुमार बस्सी और प्रबंधक संजय गांधी भी उपस्थित रहे। NRI जलंधर ब्रांच और उसके अलावा आसपास की कुछ ब्रांचेस जैसे कि ओवरसीज ब्रांच गोराया और फिलौर ब्रांचेस, इनके कस्टमर्स ने भी शिरकत की और इस मीट में लगभग 200 के आसपास NRI कस्टमर्स ने हिस्सा लिया। और इस मीट में हमने अपने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जितने भी NRI प्रोडक्ट्स हैं उसके बारे में कस्टमर्स को अवेयर किया, जिसमें कि मुख्य रूप से NRI डिपॉजिट्स और ख़ासकर कि FCNB प्रीमियम अकाउंट, जो कि एक प्रीमियम क्लास का फॉरेन करेंसी में डिपॉजिट अकाउंट रहता है जिसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से रिटर्न मिलता है, मेन फोकस उसके ऊपर रहा। और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो दूसरी सब्सिडरीज़ हैं जैसे कि SBI म्यूचुअल फ़ंड, SBI लाइफ और SBI वेल्थ, इनकी तरफ से भी प्रेजेंटेशन रही। और अंत में एक NRI टैक्सेशन मैटर्स के जो एक्सपर्ट CA हैं श्री निपुण बंसल, उनकी तरफ से भी एक प्रेजेंटेशन और क्वेश्चन आंसर सेशन कस्टमर्स के साथ रहा। बहुत अच्छा ये रहा एक्सपीरियंस और एक इवेंट, और जिसे कस्टमर्स ने भी बहुत इन्जॉय किया। मैं UK तो बिलोंग कर रहा हूँ, बेसिकली तो पंजाब तो ही हूँ, जलंधर तो, पर सिंस 2005 वी सेटल्ड इन UK एंड सिंस 2006 वी आर डीलिंग विद SBI बैंक एंड वॉट वी आर अर्निंग देयर वी वॉन्ट टू रिपेट्रेट दैट अमाउंट टू इंडिया, बिकॉज हम लोग अपनी धरती से पंजाब से जुड़े हुए हैं, वहाँ पे जो भी हम करते हैं वो इसलिए करते हैं कि ताकि हम पंजाब में जो हमारे रिलेटिव्स बैठे हुए हैं या जो हमारे नियर एंड डियर बाय फ्रेंड्स हैं वो प्रोग्रेस कर सकें। पंजाब में बाहर जाने का कल्चर तो बहुत पहले से है, अभी तो और ज़्यादा हो गया है। SBI पे हम लोगों को ट्रस्ट इसलिए है कि ये नेशनलाइज बैंक है, इनकी सर्विसेज हम लोग जो एज ए पर्सन एज हम इंडिविजुअली इसको 2006 से डील कर रहे हैं, देयर सर्विसेज आर एक्सीलेंट एंड फॉर द सेफ्टी, मेन पर्पज़ होता है NRI को सेफ्टी ऑफ फंड्स इज 100% देयर एंड द स्टाफ इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मैं 2006 से डील कर रहा हूँ, उस टाइम पर राकेश कोल जी इनके चीफ मैनेजर होते थे, राकेश कोल जी से लेके मिस्टर वरिंदर सर तक, अभी तक जितने भी मैनेजर से डील किया दे आर वेरी कोऑपरेटिव। सर मेरा नाम मुकेश जैन है, मैं अपने अंकल मिस्टर पारस कुमार जैन जो UK च रेंदे हैगे उन्होंने रिप्रजेंट करता है, वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ना 1954 से जुड़े है, उन्होंने कोल पहली पासबुक इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया सी जी 1955 चेंज हो गए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया बन गई सी। मैं लुधियाना का रेजिडेंट हैगा और मैं सारे उन्होंने अकाउंट ऑपरेट करदा, पिछले 45 साल तो मैं उन्होंने अकाउंट देख रहे हैं और लुधियाने बैठे मैं सारा कुछ काम करदा, मैं ईमेल से व्हाट्सएप से टेलीफोन से सारे काम होंदे पे है, कोई दिक्कत नहीं आती मैनू, मेरे एक टेलीफोन से या एक मेल के उत्ते जो भी मैं काम चाहना है वो सारे मेरे काम हो जाते हैं। मोरिंडा का छोटा रेलवे फाटक मेंटेनेंस के चलते बंद किया गया है, जो कि 28 दिसंबर को भी बंद रहेगा, जिसके चलते आसपास के गांवों के लोगों को बाईपास से होकर ही शहर पहुंचना पड़ेगा। तो वहीं शहर के लोगों को भी तहसील ऑफिस अस्पताल आदि जाने के लिए बाईपास का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। मोरिंडा से हलचल के लिए राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। लोकल बॉडी सेल भाजपा पार्टी की ओर से पंजाब के जनरल सेक्रेटरी संजीव सूद को जालंधर लोकसभा सीट के विस्तार के लिए लगाया गया है, जिसको लेकर मंडल अध्यक्ष जतिंदर गुंबर और टेक चंद शर्मा सहित भाजपा वर्करों की ओर से संजीव सूद का सम्मान किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। मोरिंडा से हलचल के लिए राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। मैं अपने हाईकमांड का बहुत दिलों धन्यवाद करदा जिन्होंने मैनू एड्डी बड़ी जिम्मेवारी दे के जलंधर लोग सभा का विस्तारक लगाया। मैं अपनी पूरी तनदेही दे नाल अपनी ड्यूटी समझ के निभावांगा ते उत्थे दी सीट मैं जिता के नरेंद्र भाई मोदी जी की झोली विच पा के नरेंद्र भाई मोदी जी नू आने वाली 2024 दे विच मुड़ तो ही प्रधानमंत्री बनावांगे। मैं अपनी पूरी तनदेही दे नाल अपना फर्ज निभावांगा ते इस विच मैं अपने हाई कमांड दा तहे दिलों धन्नवाद करदा। सानू बड़ी खुशी हुई है साढ़े मोरिंडा मंडल दे विचों साढ़े संजीव सूद जी जिहड़े कि लोकल बॉडी सैल दे पंजाब दे सैकटरी भी है ते उहनां नू एक बहुत वड्डी जिम्मेवारी दित्ती है और मैनू पूरी उम्मीद है कि इह अपनी पूरी तन मन धन नाल उत्थे लोक सभा
हल्के दे विच जा के उत्थे विस्तार करनगे। साहिब ए कमाल श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व को समर्पित मालवा क्षेत्र में स्थित दशम पिता की चरण छो प्राप्त धरती और सिख जगत के चौथे तख्त तख्त श्री दमदमा साहिब में से एक विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। इस नगर कीर्तन से पहले ऐतिहासिक गुरुद्वारा लिखनसर साहिब में प्रकाश पर्व को समर्पित श्री अखंड पाठ साहिब आरंभ किए गए। कड़ाके की ठंड के बावजूद बड़ी संख्या में संगतें इस नगर कीर्तन में शामिल हुई। इस मौके पर श्री अकाल तख्त साहिब के जत्थेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने भी हाजिरी लगाई। यह नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। इस दौरान सिख नौजवानों द्वारा गतका के जोहर भी दिखाए गए, तो वहीं सिख बैंड ने भी नगर कीर्तन की शोभा बढ़ाई। संतों द्वारा जगह जगह स्वागती मंच लगाकर, लंगर लगाकर और पुष्प वर्षा कर इस नगर कीर्तन का भव्य स्वागत किया गया। जिथे खालसा पंथ कल 13 पोह नूं छोटे साहिबजादे ते माता गुजर कौर जी की शहादत नूं याद कर रहा, उत्थे असीं धन गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी का परसों प्रकाश दिहाड़ा भी मना रहे हैं। तख्त श्री दमदमा साहब की पावन धरती के उत्ते अज श्री अखंड पाठ साहब आरंभ होए ने। धन गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश दिहाड़े नूं समर्पित और नाल ही श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया है पंच प्यारे साहिबान की अगवाई के नगर कीर्तन आरंभ होए हैं। तो जिहड़ियां शहादत है साडे पुरब है दिहाड़े है ते सानू चढ़दी कला वल लैके जाने हैं। सानू गुरु साहिबाना के इतिहास, गुरु साहिबाना के फलसफे इन पुरबों मनाने करके जाने का मौका मिलता है। दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की ओर से संगत के सहयोग से श्री अकाल तख्त साहिब से अरदास के उपरांत विशाल नगर कीर्तन सजाया गया। ये नगर कीर्तन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की छत्र छाया और पंच प्यारों की अगुवाई में निकाला गया। फूलों से सजी सुनहरी पालकी में सुशोभित श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पास बैठे सचखंड श्री दरबार साहिब एडिशनल हेड ग्रंथी सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह चौर साहिब की सेवा निभा रहे थे। इस नगर कीर्तन में समूह निहंग सिंह जत्थेबंदियां, धार्मिक टकसाली, स्कूल तथा कॉलेजों के विद्यार्थी, अलग अलग बैंड पार्टियां और गतका पार्टियां सतनाम वाहेगुरु का जाप करते हुए शामिल हुई। यह नगर कीर्तन श्री अकाल तख्त साहिब से शुरू होकर अमृतसर के अलग अलग बाजारों से होता हुआ वापस श्री अकाल तख्त साहिब में आकर सम्पन्न हुआ। इस मौके पर सिंह साहिब ज्ञानी जगतार सिंह लुधियाना वाले ने कहा कि दशम पिता का पूरा जीवन ही हक, सच और धर्म की रखवाली के लिए था। हम सभी को उनके जीवन से शिक्षा लेकर उन पर चलने की जरूरत है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। दशम पातशाह गुरु गोबिंद सिंह जी के प्रकाश पर्व दिहाड़े ते अलौकिक नगर कीर्तन निकल रहा है। असी चीफ खालसा दवान के समूह धारे वालों एक नगर कीर्तन के रूप में इतने पहुंचे हैं और इतने आगे समाप्ति हुई है। उसके बाद असी जो नगर कीर्तन निकल रहा है पूरे जगत वालों अपने वालों वो शामिल होए हैं। सो असी एक नगर कीर्तन आके दूजे शामिल होए हैं और अरदास करते हैं परमात्मा सब नूं बल बख्शे ताकि असी सच्चाई दे राह ते तुर सकीए। धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज सच्चे पातशाह जी का आगमन पुरब 29 तरीक नूं है। इस दे संबंध में अज श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी सचखंड श्री हरिमंदर साहब जी के समुचे प्रबंध वालों संगतां दे सहयोग नाल धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सच्चे पातशाह की छत्र छाया हेठ पंजा प्यारियां दी अगवाई विच श्री अकाल तख्त साहिब तो अरदास करके नगर कीर्तन आरंभ किया गया है। नगर कीर्तन या प्रभात फेरियां कढ़न का भाव अर्थ होंदा है कि असी सतगुरु महाराज के जिहड़े संदेश हन उन्हां नूं संगतां तक पहुँचा सकीए। सतगुरु महाराज ने अपनी जीवन यात्रा पटना साहिब दी पावन धरती तो आरंभ कीती। दसम पातशाही श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व को समर्पित गुरुद्वारा डेरा बाबा अजापाल सिंह घोड़ियांवाला में से विशाल नगर कीर्तन सजाया गया, जिसमें संगतों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया। यह नगर कीर्तन शहर के अलग अलग बाजारों में से होता हुआ वापस गुरुद्वारा साहिब में आकर संपन्न हुआ।
इस मौके पर आम आदमी पार्टी के विधायक गुरदेव सिंह देवमान ने कहा कि दशम पिता श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के प्रकाश पर्व के संबंध में यह नगर कीर्तन सजाया गया है। उन्होंने कहा कि हमारी कौम पंजाबियत और हमारी माँ बोली पंजाबी पर गुरु महाराज की कृपा बनाकर रखें ताकि हम सब हमेशा चढ़दी कला में रहें और खालसे की हमेशा चढ़दी कला रहे। नाभा से हलचल के लिए राहुल खुराना की रिपोर्ट। सब तो पहले तो वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज दसम गुरु गोबिंद सिंह जी का प्रकाश दिहाड़े के संबंध में नाभा के गुरद्वारा घोड़ियावाला साहब तो नगर कीर्तन सजाए गए और पूरे शहर की परिक्रमा करके वापसी इतने होएगी। सो समूह संगत जी बड़ी हुम हुमा के ये संगत के रूप में भाग लै रही है। तो सबनों प्रकाश दिहाड़े दी बहुत बहुत मुबारक और सच्चे पातशाह कृपा करे साड़ी कौम ते साड़ी पंजाबी ते साड़ी मां बोली ते कि हमेशा असीं चढ़दी कला रही और सिख दी खालसे दी हमेशा चढ़दी कला रहे। जथेदार अकाल तख्त साहब ने जो बेनती की उन्होंने कि प्रकाश का नुक्ति नहीं आप मना है तो वो अभी 27 तरीक नगर कीर्तन ने अज वास्ते आप आरंभ इतों सारी संगत पांच प्यार के रहनमई हेठ रवाना होया गुरद्वारा घोड़ियावाला नाभा विखे तो जो आए साल की तरह महान नगर कीर्तन अज भी इतों आरंभ हो के सारे शहर की परिक्रमा करता शाम वापस इसे गुरु घर जाके समाप्ति होगी। चीन में लगातार कोरोना के केस बढ़ रहे हैं जिसे देखते हुए केंद्र सरकार और पंजाब सरकार की ओर से दी गई हिदायतों के बाद सेहत विभाग ने कोरोना से निपटने के लिए तैयारियां कर ली हैं। स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना टेस्ट में बढ़ोतरी कर दी है तो वहीं लोगों को वैक्सीनेशन के लिए जागरूक भी किया जा रहा है। लोगों को गांव-गांव जाकर जागरूक करने के उद्देश्य से बठिंडा से एक वैन रवाना की गई। इस मौके पर स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर तेजवंत सिंह ढिल्लों ने बताया कि ममता एनजीओ के सहयोग से स्वास्थ्य विभाग गांव-गांव जाकर पूरे जिले के लोगों को वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक करेगा और उस स्थान पर वैक्सीनेशन भी की जाएगी। इसके साथ ही जिन्होंने दूसरी और तीसरी डोज नहीं लगाई है उन्हें भी बताया जाएगा। एक अपनी ममता एनजीओ है उन्होंने USAID के नाल ये लोगों को वैक्सीन बारे होर जागरूक करने बारे जो डोज जिन्हों की सैकेंड डोज तो अपनी बूस्टर डोजा रहनिया ने उदे वास्ते असी जागरूकता विच उन्होंने साडा साथ दिता है। ये असी एक टूर प्रोग्राम ला के दे रहे हैं सारे जिले विच जाऊगी तकरीबन 5 तरीक तक के साडे वैन साडे कोले है। सो उन्होंने जिते जिते असी वैक्सीनेशन भी लावांगे CSC लैवल पर तो वो अपना उन्होंने जागरूक भी किया जाऊगा भी उस एरिए जाके भी अपनी वैक्सीन जी रही है वो लवाई जाए क्योंकि यही एक तरीका जितों आप बीमारी तो बच सकते। इन दिनों जोड़ मेले के चलते मोरिंडा शहर में लगातार लंगरों का दौर जारी है जिसके चलते मोरिंडा शहर के बाईपास पर आ रही संगत के लिए लोगों द्वारा रस और खीर सहित कई व्यंजनों का लंगर लगाया गया जिसका आने जाने वाले राहगीरों ने भी पूरा लाभ उठाया। मोरिंडा से हलचल के लिए राधे श्याम शर्मा की रिपोर्ट। वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। अज छोटे साहबजादियों की लासानी शहीदी में समर्पित सारे इलाके की संगत वालों रल मिल के खीर रस सादे दाल रोटी के लंगर लगाए गए हैं जो कि बहुत ही प्रशंसापूर्ण के संगत का भी बहुत बहुत धन्यवाद किया जाता है जो कि बहुत प्यार ते सत्कार नाल लंगर छक रही हैं ते गुरु साहब के छोटे साहबजादियों की शहीदी नूं श्रद्धांजलि देन जा रही हैं। वाहेगुरू का खालसा वाहेगुरू जी की फतह। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नज़र फिर से। जंडियाला गुरु के नजदीकी गांव वडाली डोकरा में 3 लुटेरों ने 2 सगे भाइयों पर किया जानलेवा हमला, 1 की मौत 1 घायल। होशियारपुर के पुलिस लाइन गेट पर ड्यूटी दे रहे ASI की करंट लगने से हुई मौत। जालंधर के आबादपुरा में खूह वाली गली के घर के बाथरूम से मिला भ्रूण, पुलिस जांच में जुटी। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताज़ा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।